तो देखो ये बायोलॉजी का मेन टॉपिक है कोशिका की खोज, ठीक है। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले यहां पर देखो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज है, जैसे कि कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान, माइक्रोस्कोप इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जिसे दही में देखता है तो कीटाणु वगैरह मालूम चलता है, पहले के आदमी को मालूम नहीं था, हाँ इतना ज्ञान था कि कीटाणु वगैरह होता होगा लेकिन वो कीटाणु को नहीं देख सकता था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के बाद ही प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कोशिका जो होती है दही में भी क्या होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। हो सका सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, ठीक है, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, वो क्या किया, अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। सबसे पहले क्या किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का निर्माण कर दिया क्योंकि माइक्रोस्कोप से हमको कोशिकाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना था, क्लियर। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया, रॉबर्ट हुक। पूछेगा ये साइंस का भी टॉपिक है और जीके का भी टॉपिक है, माइक्रोस्कोप का निर्माण कौन किया, बोलो एक बार जोर से, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, क्लियर। यहाँ तक याद रहेगा, कब किया, तो 1665 में, 1665 में, 1664 का एक बार फाजिल हो गया था 65, या देखो 6 6 2 6 बीच में है, 5 1 6 जोड़ तो वो 6 हो जाएगा, इसको देखो याद कैसे करना, माइक्रोस्कोप का निर्माण देखो 2 6 बीच में, 5 1 6 जोड़ेंगे तो वो 6 हो जाएगा, तो याद रखना कि बीच में 2 6 था माइक्रोस्कोप, बीच में 2 6 था, आगे वाला पीछे वाला को जोड़ेंगे तो उसका भी एड जो है 6 होना चाहिए, तो शुरू में 1 था और लास्ट में 5 था, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का निर्माण रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये कहां का था, ये एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ठीक है। अब क्या किया, निर्माण तो कर दिया, तब क्या किया रॉबर्ट हुक ने, यानी हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क जो है, कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म, ठीक है ना, अनेक सूक्ष्म यानी मोटी भीती वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी, मधुमक्खी की छत्ता जानते हो, देखा है कभी कि नहीं, मधुमक्खी की छत्ता जैसी उसमें काट दिखाई दिया, ठीक है। तो उसमें कठोरी जो मधुमक्खी की छत्ता में गोल 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 रहता है ना, रहता है ना, एना एना रहता है, ऐसा ऐसा हूं देखा, ठीक है। कौन देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया, ठीक है, इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया, सेल का नाम दे दिया, और उसी को ये खोज में गिनती कर लिया गया। तो पूछेगा कि कोशिका की खोज माइक्रोस्कोप के खोज के बाद हुआ कि पहले हुआ, पहले कैसे हो जाएगा, बाद में ना होगा, अभी ना समझाया कि जब तक माइक्रोस्कोप का खोज नहीं होगा तब कोशिका जो होता है अपनी आंखों से, ठीक है ना, नेक्ड आई उसको बोला जाता है, नहीं खुली आंखों से, नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों का जितना पावर है हम उतना ही देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे से छोटे चीज को भी हम देख सकते हैं, क्लियर। अब इसी में कुछ आगे पॉइंट है, इसमें डेवलप किया गया था, ठीक है, ठीक है ना, कह रहा है ल्यूवेन होएक नामक एक डच वैज्ञानिक था, ठीक है, डच वैज्ञानिक जो माइक्रोस्कोप की क्या किया, लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ाया। यहां देखो क्या किया, ठीक है ना, ल्यूवेन होएक एक डच वैज्ञानिक था, वो क्या किया था, माइक्रोस्कोप की लेंस की व्यवस्था माइक्रोस्कोप में लेंस लगा रहता, ठीक है, लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन जो था, कोशिका का स्टडी जो था वो आगे बढ़ा दिया, और सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में, ये 1665 में था, जस्ट उसके बाद यानी 1674 ईस्वी में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाएं, ठीक है ना, जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ आदि को देखा। अब बताओ एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, बाद में आगे भी जाकर के 9th में तो पूछेगा ही, आगे भी कॉम्पिटिशन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु की खोज सर्वप्रथम कौन किया, तो प्रोटोजोआ और जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम ल्यूवेन होएक ने किया था, कौन किया था, ल्यूवेन होएक, ठीक है। इसके बारे में यहां पर पिक्चर दे देंगे, उसे वीडियो कोई देखेगा तो मालूम चल जाएगा, इसका फोटो क्लिक करके बगल में हम दे देंगे, ठीक है। तो ये कर लिया था,
ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ को सबसे पहले पूछेगा, एक और क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछेगा कि प्रोटोजोआ को सबसे पहले कब देखा गया, तो 1674 ईस्वी में। प्रोटोजोआ और जीवाणु, एक स्वतंत्र जीवाणु है, स्वतंत्र कोशिका है, जिसको सबसे पहले 1674 में देखा गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो ल्यूबने होएक के द्वारा, ल्यूबने ल्यूबने होएक। ठीक है, 1831 में। अब देखो 1831 में, जस्ट इसके कितने दिन के बाद, देखो 1674 है, जस्ट इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, यानी कोशिका जो होती है उसके केंद्र में गोलाकार रचना होती है। ठीक है, इसे ब्राउन ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया? केंद्रक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। अब यहां पर देखो, पुनकीजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल, ठीक है, सबसे पहले देखो कोशिका के बारे में 1665 में रॉबर्ट हुक ने पता कर लिया, ल्यूबने हॉक ने एक स्वतंत्र कोशिका का पता किया जिसका नाम था जीवाणु और प्रोटोजोआ, वो 1674 में किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, ठीक है, कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में गोलाकार रचना होती है, यानी इसके बारे में स्टडी आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है। ठीक है, अब इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियस दिया। अब पुनकीजे वैज्ञानिक आया 1839 में, यह कहा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल यानी दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव नाम दिया गया। ठीक है, वहां पर तो सीधे इसको प्रोटोजोआ नाम दिया था। कौन? प्रोटोजोआ जो नाम दिया था 1674 में, वो रॉबर्ट ब्राउन ने, एक मिनट, ल्यूबने हॉक ने दिया था। ठीक है, कि प्रोटोजोआ का हम खोज किया, लेकिन प्रोटोजोआ को सबसे डेवलपिंग कौन कर दिया? तो ये 1839 में पुनकीजे ने कर दिया। ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्मा, इसके अंदर दानेदार जो है, इसके अंदर दानेदार छोटा छोटा चीज होता है, इसी के अंदर दानेदार छोटा छोटा चीज होता है, उसको प्रोटोप्लाज्मा या फिर जीव द्रव का नाम दे दिया, कि ये सभी कुछ भोजन करता है कहीं ना कहीं से। अब 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि, ठीक है, कब कहा? तो 1838 ईस्वी में वनस्पति का वैज्ञानिक था, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक था स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादप जानते हो, ठीक है ना, तो पादपों का जो शरीर होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर। अब 1839 में प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी, ठीक है ना, प्राणी विज्ञानिक जो था स्वान, ठीक है ना, वो बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना हुआ है, यानी जंतु, जीव जंतु जो होता है, तो जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं, मतलब छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कौन कौन? तो स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर के एक मत बनाया, दोनों का अलग अलग मत था, तो दोनों मिलकर के एक मत बनाया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित करके एक सिद्धांत बनाया गया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी स्लाइडेन एक वैज्ञानिक था, ठीक है, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, और स्वान ये प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी जीव जंतु के बारे में ज्यादातर रिसर्च करते थे। दोनों मिलकर के एक मत प्राप्त किया, एक नया नियम लागू किया जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, यानी कोशिका से हर आदमी में कोशिका होगा। ठीक है, तो कोशिका के बिना कोई आदमी का रचना हो ही नहीं सकता, कोई चीज की रचना हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1855 में बिर्चो ने बताया, कई को साइंटिस्ट इसमें आया, देखो कोशिका खोज में कितना साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया था। ठीक है, बिर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में होता है। मैक्स शुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका जो होता है प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड होता है। मैक्स शुल्ज ने बताया, देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मैक्स शुल्ज ने बताया कि 1861 में कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्मा का, यानी प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्मा होता है, उसका एक पिंड होता है कोशिका। ठीक है, कब बताया? तो मैक्स शुल्ज ने 1861 में यह बात बताया, जिसमें एक केंद्रक होता है, जिसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, यानी केंद्र, ठीक है ना, सेंटर होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्मा मतवाद कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी इसको बोला गया है।
ठीक है, पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी सीबीएसई में बिहार बोर्ड में पूछेगा प्रोटोप्लाज्मा मतवाद किसे कहते हैं। इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आया 1884 में, ठीक है, स्ट्रॉस बर्गर, ये बताया कि केंद्रक जो होता है वह पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा और 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल एवं ई रस का, ठीक है ना, द्वारा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1931 में आविष्कार होने लगा, ठीक है। कौन किया, तो एम नॉल और ई रस का ने किया, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचना का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहा, ठीक है। अब ये देखो माइक्रोस्कोप नहीं देखा तो ऐसे माइक्रोस्कोप रहता है, ठीक है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है, ठीक है। यहां से देख रहे हो कि नेत्रिका लेंस रहता है, इसमें तुमको देखना रहता है, ठीक है। यहां पर प्रारंभिक रहता है, शुरू वाला संयोजन पेज रहता है, देह नलिका रहता है, ये भी नलिका है जहां से तुम देखते हो तो अंदर वाला भाग दिखता है, ठीक है। सूक्ष्म संयोजन पेज यहीं पर रहता है, पेच रहता है जिसको ढीला उला कर सकते हो, कस सकते हो। यहां पर गूंजा रहता है इसका, ठीक है। अदृश्यक लेंस इसमें रहता है, अदृश्यक लेंस रहता है, ठीक है। अभी लेंस की मदद से कोई भी चीज, जैसे मान लो कि चश्मे है, किसी को नहीं दिख रहा है, लगा लेता है तो दूर की चीज उसको दिखने लगता है, ठीक है। अब यहां पर घूर्णी पेच है, पेच जो होता है जैसे कि कोई चीज का ना पेच होता है, कसने उसने वाला पेच उसमें रहता है। और संग्राही यहां पर है दर्पण, अब ये दर्पण मेन चीज में लेंस और दर्पण होता है, ये दर्पण और लेंस की मदद से तुम जो है कोशिका को देख सकते हो। अगर इसमें से दर्पण और लेंस को हटा दिया जाए तो कोशिका दिखाई नहीं देगा, तब हो जाएगा खराब, मतलब एक तरह से लोगों की हमको दिखाई नहीं देगा, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका आधार यानी बेस होता है जिसको रखा जाता है। तो कोशिका जो दिखते हैं, जो दिखता है उसका मेन कारण है कि नेत्रिका लेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो एक लेंस यहां पर रहता है, दूसरा लेंस तुम्हारा पेच मतलब यहां पर कहां गया, अदृश्यक, अभी दृश्यक लेंस रहता है, यहां पर दो लेंस हो गया, तो एक लेंस ये, एक लेंस या दो लेंस हो गया। उसके बाद यहां पर दर्पण रहता है तीन गो, तीन गो की मदद से हम कोशिका को सही तरह से देख पाते कि कैसा होता है, छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। तो ये था कोशिका की खोज, बायोलॉजी का मेन टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।